वेलकम टू माय चैनल नेहा डिजाइन्स और मैं आपकी दोस्त नेहा अलवी। आज हम आपके लेकर आए एक सुंदर सी आलिया कट ड्रेस। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमारा 1 मीटर फैब्रिक यूज हुआ है, तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो ड्रेस है, ड्रेस की कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कट करेंगे टॉप पार्ट। तो टॉप पार्ट के लिए हमने यहाँ पर ये वाले जो पीस है ये लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट के लिए ये वाला पीस लिया है और इसका हमारा मेजरमेंट है, यहाँ से लेंथ हमने रखी है 9.5 इंच पर और विड है हमारी यहाँ से इसकी 20 इंच हमारी विड है। और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने कट कर लिए हैं और इन दोनों पीस को अब यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दोनों पीस फोल्ड करने के बाद अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो मार्किंग है शोल्डर की, वो हम रखेंगे यहाँ से 5 इंच पर और आर्मसोल का मार्क रखेंगे हम यहाँ से 5 इंच पर। और यहाँ से हमारी जो चेस्ट है वो होगी हमारी 6.5 इंच पर और कमर का मार्क होगा हमारा 6 इंच पर। तरीके से मार्किंग की और अब यहां से मार्किंग करेंगे आर्म सोल की। और ये होगी हमारी लूजिंग और इसके बाद मार्किंग करेंगे नेक की। तो यहां से हमारा जो नेक की मार्किंग है, विड हम रखेंगे यहां से, देखिए इसका 2.2 इंच पर हमारी नेक की विड होगी और लेंथ हम रखेंगे यहां से इसकी 3.5 इंच पर और ये बनाएंगे हम वी शेप में। इस तरीके से वी शेप में नेक की कटिंग करनी है और यहां से देंगे शोल्डर पर डाउन। इस तरीके से शोल्डर पर डाउन देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पीस है तो इसकी कटिंग करेंगे यहां से नेक की। नेक की कटिंग करने के बाद विड हमारी सेम रहेगी और लेंथ हम रखेंगे यहां से इसकी 2.5 इंच पर। देखिए हमारा जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट के हमारी कटिंग यहाँ तक हो गई है और अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी आलिया का ड्रेस है तो उसके लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे इसको 1.5 इंच पर। और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद अब इसको यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे। और यहाँ से इसकी कटिंग करने के बाद ये वाला जो हमारा पीस है, फ्रंट वाला पीस, इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें सिर्फ फ्रंट वाले पीस की कटिंग करनी है, बैक वाले पीस की कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला पीस है ये कट होगा। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग होकर ये तैयार होगा और अब इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे एक बार और इन दोनों पीस को अभी एक साथ मिलाकर रखेंगे। और अब लेंगे अपना बॉटम पीस। ये हमारा बॉटम वाला पीस है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से, लेंथ हमने रखी है इसकी 12.5 इंच पर और विड है हमारी यहाँ से 35 इंच हमारी विड है। और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने यहाँ पर कट किए हुए हैं और इन दोनों पीस को हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। एक पीस को हटा देंगे और लेंगे अपना सिर्फ एक पीस। यहाँ से हमारा जो सिंगल वाला पीस है इसको हमने फोल्ड कर दिया है और इसको फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ से रखेंगे इसको हम इस तरीके से। ये हमारा फोल्ड है और अब इसको भी मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से इसको मार्क करेंगे 1.5 इंच पर।
इस तरीके से, और ये वाला जो पीस है इसको भी यहाँ से देखिए इस तरीके से मार्क करना है, और अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसकी हमें कटिंग कर देनी है। बैक वाला पार्ट हम सेम रखेंगे, और अब इसके बाद अब इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा जो फ्रंट वाला पीस है हम ये लेंगे और इसके इसका नेक बनाकर तैयार करेंगे। तो नेक के लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले तैयार करेंगे नेक। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए ये वाला जो पीस है ये लिया हुआ है, और अब इसको हम एक साइड से इसको हम एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से इसको ओपन किया, और अब रखेंगे हम ये वाला पीस जो हमने कट किया है इसके ऊपर रखेंगे, और अब यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कट लगाएंगे। यहाँ पे कट लगाया, और अब ये जो हमने पाइपिंग कट की स्टिच की है इसको हम करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको देखिए इस तरीके से हमें रॉन्ग साइड की तरफ इसको फोल्ड कर देना है, और इसको फोल्ड कर लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई। देखिए इस तरीके से नेक तैयार करने के बाद अब इसके ऊपर हम लेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाली जो लेस है हमारी हम इसका यूज करेंगे। तो इसको हमें देखिए इस तरीके से लेस लगाकर इसको तैयार करेंगे। तो हमारा जो नेक है, नेक हमारा तैयार है, और अब इसके बाद लेंगे हम अपना बॉटम पीस। तो बॉटम पीस लेंगे हम अपना ये वाला, ये जो हमने कट किया था अब ये वाला पीस लेंगे और इसको कर लेंगे हम ओपन। और इस तरीके से ओपन करने के बाद अब यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हम धागा खींचेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसमें गैदरिंग डालेंगे, और अब इसके बाद इन दोनों पीस को हम मिला देंगे, और दोनों पीस मिलाने के बाद अब इसको सिलकर तैयार करेंगे। इस तरीके से इस वाले पीस को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और इसको अटैच करने के बाद अब अपना बॉटम पीस लेंगे, और यहाँ से हमारा जो बॉटम पार्ट है इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ से बॉटम पीस को फोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका बॉटम पार्ट लेंगे, और जो लेस हमने नेक पे यूज की थी उसी लेस को हम यहाँ पर देखिए इसके पल्ले पे यूज करेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रंट वाला पीस इस तरीके से तैयार करने के बाद अब सेम तरीके से हम अपना बैक साइड का पीस भी तैयार करेंगे। देखिए सेम तरीके से हमारा जो बैक साइड का पीस है इसको हमने तैयार कर दिया है, और अब यहाँ से इन दोनों पीस को हम मिला लेंगे इस तरीके से। दोनों पीस मिलाकर शोल्डर सिलका तैयार करेंगे, और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको भी तैयार करेंगे। देखिए यहाँ से हमने दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है, और अब इसके बाद हम लेंगे अपनी स्लीव्स, तो फ्रॉक को रखेंगे साइड पे,
और स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर ये वाला जो पीस है ये लिया हुआ है, और इसका मेजरमेंट है हमारा देखिए, लेंथ है हमारे यहाँ से 6 इंच पर, और विड है हमारे यहाँ से इसकी 12.5 इंच पर, और सेम मेजरमेंट में दो पीस यहाँ पर हमने कट किए हुए हैं, और इन दोनों पीस को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और अब यहां से मार्क करेंगे हम इसको 5 इंच पर, और मोहरी होगी हमारे यहां से 4 इंच पर। ये हमारी लूजिंग होगी, और अब करेंगे इसकी कटिंग। स्लीव्स कट करने के बाद अब यहां से हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, मोरी फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हम लेस लगाकर इसको तैयार करेंगे इस तरीके से। लेस लगाने के बाद अब इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इसको फोल्ड करने के बाद अब यहां पर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे। और अब लेंगे हम अपनी फ्रॉक लेंगे, और अब डालेंगे इसको आर्म होल के अंदर इस तरीके से, और यहां से दोनों जॉइंट को हमें मिला देना है आपस में इस तरीके से, और दोनों जॉइंट को मिलाते हुए लगाएंगे इसके चारों तरफ पर सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी जो ड्रेस है, ड्रेस बनकर तैयार है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।